सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ये सब पढ़कर ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये यूट्यूब का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये एक रुपए भी क्यों दें? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता, ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर इंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को, और हाँ जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिंड होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच। आज की जो हमारी नई हेडिंग है उसका नाम लिखें बच्चों पेज के बीच में, पेटी कैश बुक। पेटी वर्ड का क्या मतलब होता है? पेटी स्मॉल, वेरी गुड। तो मतलब कि टॉपिक का नाम पड़ गया छोटी कैश बुक। तो सर हमें अभी बड़ी कैश बुक भी ढंग से आई नहीं, अब चैप्टर में हम छोटी कैश बुक पढ़ रहे हैं। तो अब देखो बच्चों इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, बड़ा मज़ेदार इसमें बातें होंगी। छोटी कैश बुक क्यों बनाते हैं, क्या है इसकी स्टोरी? तो पहले कुछ बातें आप लिखो मेरे साथ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट एरो डाल के लिखना, एक कैश बुक इन विच रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ Small amounts are recorded. तो इसमें जो की वर्ड है वो है small amounts. तो ये एक ऐसी कैश बुक है जिसमें हम रिसिप्ट और खर्चे रिकॉर्ड करते हैं small amounts के, छोटे amounts के, है ना? Second point, petty cash book has two systems. फिर डैश डाल के लिखना है, ए, ए का नाम है सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश। सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश इसमें लिखना डैश डाल के, In this system, petty cashier
इज गिवन एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश एंड आफ्टर स्पेंडिंग द अमाउंट कॉमा आफ्टर स्पेंडिंग द अमाउंट कॉमा ही सबमिट्स द पेटी कैश टू द हेड कैशियर ही सबमिट्स द पेटी कैश टू द हेड कैशियर उसके बाद दूसरा सिस्टम बी बी पर आपको लिखना है वेरी इंपॉर्टेंट इस पर पक्का थ्योरी क्वेश्चन या कुछ कई बार एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन ओलंपियाड वगैरह में भी पूछ लेता है हर जगह पूछता है इस सिस्टम का नाम है बी का नाम है इम्प्रेस्ड IMPRESD इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश तो इसमें डैश डाल के लिखना है इन दिस सिस्टम कॉमा एन अमाउंट इज एस्टिमेटेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस फुल स्टॉप दिस अमाउंट इज गिवन टू पेटी कैशियर दिस अमाउंट इज गिवन टू पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड दिस अमाउंट इज गिवन टू द पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड फुल स्टॉप द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द पेटी कैशियर इज रीइंबर्स्ड REIMBURSED ये वर्ड इंपॉर्टेंट है हाईलाइट कर लेना बाय द पेटी कैशियर इज रीइंबर्स्ड टू हिम पीरियोडिकली फुल स्टॉप दिस अमाउंट इज नोन एज This amount is known as impressed money को भी आप highlight कर लेना that is the fixed amount in the beginning of the period That is the fixed amount in the beginning of the period. तो सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर ये क्या हो रहा है आप क्या लिख रहे हो सर ये कुछ भी हमें समझ तो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं अभी आपको समझ में कुछ आएगा भी नहीं जब तक मैं समझाऊंगा नहीं पर आप लिख लो पहले डोंट वरी अच्छा उसके बाद जी अगला एरो अगले एरो में आपको लिखना है पेटी कैश बुक इज ऑफ टू टाइप्स बताओ दो प्रकार की पेटी कैश बुक कौन कौन सी होती हैं पहले को बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक तो इसमें लिख लो Only one column for all the payments.
ओनली वन कॉलम फॉर ऑल द पेमेंट्स, और बी दूसरे को क्या बोलते हैं, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो इसमें डैश डाल के लिखना है सेपरेट कॉलम्स फॉर ईच पेमेंट, बस। तो ये वो बातें हैं फिलहाल तक की जो आपको अभी लिखनी है। तो सर हमें समझ तो कुछ भी नहीं आया, और ये तब से पता नहीं क्या पेटी पेटी चला आ रहा है। तो आइए इसको समझने के लिए आपके साथ एक चर्चा करेंगे। तो अब बच्चों आप बड़े ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाऊंगा। एक कंपनी है, कोई भी एक बिजनेस समझ लेते हैं, ठीक है। एक बिजनेस है फॉर एग्जांपल, इस बिजनेस के अंदर एक कैशियर होता है। कैशियर मतलब समझते हो आप किसे कहते हैं? कैशियर, कैशियर कौन होता है? जो पूरा बिजनेस का कैश संभाल के रखता है, मतलब ऑफिस में गल्ला। गल्ला मतलब समझते हो? गल्ला मतलब होता है दुकानदार की एक ऐसी ड्रॉवर जिसमें सारा पैसा होता है। तो उस गल्ले को संभालने वाले व्यक्ति को कैशियर कहते हैं। यानी कि बिजनेस में एक कैशियर होता है, जो भी बिजनेस में कैश आता है या जाता है वो उसकी देखभाल करता है, उसकी रखवाली करता है। अब बहुत बड़े बिजनेस में रोज कम से कम हजारों ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं जिसमें कैश या तो आ जाता है या चला जाता है। जैसे मैं अपने आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ का एग्जांपल देता हूँ अपने ऑफिस का। हम कभी कभी कहते हैं कि भाई ऑफिस में पेन लाने हैं, कभी हम कहते हैं मार्कर्स लाने हैं, कभी हम कहते हैं कि स्केल मंगवाना है, कभी हम कहते हैं कि लिखने के लिए पेजेस चाहिए, प्रिंट के लिए पेजेस चाहिए, रजिस्टर्स चाहिए। तो मतलब हम भी दिन भर में अपने कैशियर को कहते हैं कि भाई ये पैसे, पेन ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। तो मतलब दुनिया भर की ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब ये एक बड़ा कैशियर है, अब ये कहता है कि यार मैं तो दुखी हो जाता हूँ दिन भर, रोज मजदूर आ जाता है, कहता है लाओ 10 रुपये दे दो चाय पीनी है, कोई कहता है कि लाओ 20 रुपये दे दो पेन खरीदना है। तो ये बड़ा कैशियर परेशान हो जाता है। तो बड़ा कैशियर क्या करता है? बड़ा कैशियर कहता है मैं काम करता हूँ, मैं एक छोटा कैशियर जो है उसे रख लेता हूँ, या बिजनेस कहता है कि चलो हम एक छोटे कैशियर को रख लेते हैं। छोटे कैशियर का क्या नाम होता है? पेटी कैशियर। अब बड़ा कैशियर कहता है कि भाई देखो मैं तो बड़े काम करूँगा बिजनेस में, ये रोज़ के छोटे मोटे 10-20 रुपये मांगने हैं तो मेरे पास मत आना, क्योंकि मेरे को बड़ी चीज़ें संभालनी है बिजनेस के अंदर। तो बड़ा कैशियर कहता है कि मैं काम करूँगा, जैसे ही मान लो एक नया महीना स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं 1 जुलाई, जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ, तो बड़ा कैशियर कहता है कि मैं छोटे कैशियर को पहले दिन 5,000 रुपये दूंगा। तो अब छोटे कैशियर के पास कितने रुपए पहुंच गए? 5,000 रुपये पहुंच गए। और उसने पूरी फैक्ट्री में ऐलान कर दिया, पूरे बिजनेस में ये बता दिया कि भाई किसी को भी अब पेमेंट के लिए पैसे चाहिए हो 10-20 रुपये तो आप किससे जाके मांगना? छोटे कैशियर से जाके मांगना, मेरे को परेशान मत करना, क्योंकि मैं बड़ा कैशियर हूँ, मेरा काम है बिजनेस में बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना। तो अब जिसको भी छोटे छोटे खर्चे करने हैं, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया पेटी एक्सपेंसेस, मतलब छोटे छोटे खर्चे। तो छोटे छोटे खर्चे जो हैं वो कौन करता है? पेटी कैशियर। तो अब मान लेते हैं छोटे छोटे खर्चे कुल मिलाकर 2,000 रुपये के हो गए, तो पूरे महीने उसने 2,000 रुपये की क्या कर दी? पेमेंट्स कर दी छोटे कैशियर ने। तो बताओ अब छोटे कैशियर के पास कितने रुपए बचे? 3,000 बचे। कितने रुपए बचे? 3,000 बचे। तो अब आप ध्यान से सुनना, अब छोटे कैशियर के पास ये जो 3,000 बचे, अगर वो 3,000 रुपये वापस लौटा दे बड़े कैशियर को, तो इस सिस्टम को तो बोलते हैं, कौन सा सिस्टम? सिंपल पेटी कैश। इस सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलते हैं प्यारे बच्चों? सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश, ये वाला, ए वाला।
सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश, लेकिन ये बेकार होता है। बेकार मतलब कि इसको कोई फॉलो नहीं करता। बड़ा कैशियर कहेगा तुम फिर मुझे दुखी करने आ गए, अब मैं तुम्हें अगले महीने फिर पैसे दूंगा। तो सिंपल पेटी कैश सिस्टम में जिसमें हम पैसा रिटर्न करते हैं वो कोई ज़्यादातर फॉलो नहीं करता। ज़्यादातर लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? दूसरा वाला सिस्टम, जिसे बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। तो अब इसको ध्यान से सुनना क्योंकि आपके लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं दोबारा से पूरी स्टोरी फ्रेम कर रहा हूँ। बताओ छोटे कैशियर ने कितने रुपए खर्च करे थे? 2000। बिल्कुल ध्यान से स्टोरी में लिंक बना रहना चाहिए तभी बात समझ आएगी। तो छोटे कैशियर ने कितने रुपए खर्च करे थे? 2000। तो छोटे कैशियर के पास कितना बैलेंस बच गया था? 3000। अब पता है क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना, इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है। बड़ा कैशियर 1 अगस्त को यानी अगले महीने की पहली तारीख को, मैं लिख देता हूँ, जो बड़ा कैशियर है मतलब कि हेड कैशियर, अगले महीने की पहली तारीख को छोटे कैशियर को दोबारा 2000 रुपये देता है। कहता है तुम ये 2000 रुपये और ले लो। अब छोटे कैशियर के पास 3000 रुपये तो थे और 2000 बड़े कैशियर ने उसको पहली तारीख को और दे दिए, तो अब छोटे कैशियर के पास टोटल कितने रुपए हो गए? 5000। तो यानी कि दोबारा से अगस्त का महीना शुरू करने के लिए छोटे कैशियर के पास कितने रुपए आ गए? 5000। तो अब छोटा कैशियर अगले अगस्त के महीने में फिर से पेमेंट्स कर देगा। तो मान लो, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि छोटे कैशियर ने अगस्त के महीने में फिर पेमेंट्स कर दी 2200 फॉर एग्जाम्पल। तो अब उसके पास कितने बैलेंस बच जाएगा? 2800। तो बड़ा कैशियर वो 2800 से वापस नहीं मांगेगा, वो कहेगा कि अब मैं तुम्हें 1 सितंबर को 2200 रुपये और दे दूंगा, तो तुम्हारे पास वापस से 5000 हो जाएंगे 1 सितंबर का। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम में बड़ा कैशियर आपसे पैसा वापस नहीं मांगता, वो कहता है कि छोटे कैशियर तुम अपने पास रखो, मैं बस तुम्हें थोड़े से रुपये और दे दूंगा ताकि तुम्हारे पास हर महीने की स्टार्टिंग में कितने रुपये हो जाएं? 5000। वेरी गुड। तो इस 5000 के रुपए को क्या कहते हैं? सर हमें क्या पता, इम्प्रेस्ड मनी। इसे क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड मनी। तो समझ आ गया। तो ये पूरी कहानी जो मैंने हिंदी में सुनाई इसी को डिजाइनर इंग्लिश में ऊपर यहां पर लिखवाया गया था, यहां तक। तो समझ आ गया आपको पहले इतनी स्टोरी। बाकी पेटी कैश बुक जो है वो हम अभी एक क्वेश्चन करके सीखेंगे। वो दो तरीकों से बनाई जाती है, एक होती है सिंपल पेटी कैश बुक, एक होती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। हालांकि किताब में, क्योंकि एनालिटिकल पेटी कैश बुक का सवाल है तो हम वो कर लेंगे, एनालिटिकल वाली बन जाती है तो सिंपल ऑटोमेटिकली आपको समझ भी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप समझ जाओगे, सिंपल में एक कॉलम बनता है, एनालिटिकल में सेपरेट कॉलम्स बनते हैं, वो हम एक क्वेश्चन से अभी समझते हैं। चलो तो आप बुक निकाल लो और अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, चलो ठीक है। चलो तो हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, आइए। ठीक है, तो इसमें लिखा है, इस पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो कि राजन मेंटेन्स ए कॉलुमनर पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो देखो आपके लिए एक ही सिस्टम फॉलो होगा, इम्प्रेस्ड सिस्टम। उसके बाद लिखा है द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5000 रुपए। ओ माय गॉड, तो इन्होंने तो मेरा ही फिगर चुरा भी लिया एग्जाम्पल वाला। तो इनका इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना है? 5000। तो इसका मतलब बड़ा कैशियर छोटे कैशियर को पहले महीने कि या मतलब हर महीने की पहली तारीख को कितने रुपए कहता है कि तुम्हारे पास होने चाहिए? 5000 होने चाहिए, ठीक है, ये मतलब हो गया। उसके बाद लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शो हिज पेटी कैश बुक वुड अपीयर फॉर द वीक एंडेड 12 सितंबर। तो ये एक हफ्ते की पेटी कैश बुक कह रहा है बना के दिखाओ, ठीक है, तो बना देंगे अभी। तो पहले मुझे आपको कुछ समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। देखो आपका एक नया हफ्ता शुरू हुआ, नया वीक शुरू हुआ, वीक का नाम है 7 सितंबर, मतलब डेट है 7 सितंबर। तो छोटे कैशियर के पास
पेटी कैशियर के पास लिखा है बैलेंस इन हैंड, बताओ उसके पास कितने रुपए हैं? 1349। उसके पास अभी हाथों में कितने रुपए हैं? 1349। ठीक है, अब इंप्रेस्ड अमाउंट क्या है? 5000। तो अब बड़े ध्यान से सुनना, अगली लाइन में लिखा है रिसीव्ड कैश रीइंबर्समेंट। इसका मतलब होता है कि बड़ा कैशियर कितने रुपए यानी कितना कैश देगा, रीइंबर्समेंट का मतलब होता है देना, टू मेकअप द इंप्रेस्ड। तो ये आपको बुद्धि लगानी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, बताओ बड़ा कैशियर कितने रुपए छोटे कैशियर को देगा ताकि छोटे कैशियर के पास 5000 रुपए हो जाएं? 3651। ओके, तो ये आपने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? ठीक है, तो आप इतने होशियार हो गए सब, 5000 माइनस 1349। तो भाई सब बच्चे बता दो अपने पूरे होशो हवास में, सबको समझ आया कि बड़ा कैशियर कितने रुपए देगा छोटे कैशियर को? 3651, ताकि छोटे कैशियर के पास कितने रुपए हो जाएं? 5000। तो इसको बोलते हैं इंप्रेस्ड मनी। तो समझ आ गया सबको? हेलो बच्चों, बच्चों क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। अब इसके बाद जो आपको ये दे रखा है, जैसे एक बार अगर आप देखो, पोस्टेज, स्टेशनरी, ये ये जितनी चीज़ें आपको दे रखी हैं ये सब क्या हैं? पेटी पेमेंट्स, पेटी एक्सपेंसेस, मतलब ये जितने भी बातें आपको दे रखी हैं ये सारी बातें जो होती हैं क्या होती हैं? पेटी एक्सपेंसेस, ये छोटे छोटे खर्चे हैं। देखो एक बार अमाउंट देखो इनका, 123 रुपये, बीच में लिखा है मिसलिनियस एक्सपेंसेस 11 रुपये। तो ये सब छोटे छोटे खर्चे आपको दे रखे होते हैं। तो समझ आ गया पहले एक फ्रेमवर्क क्या है? चलो तो अब हम कैश बुक बनाएंगे। आइए तो मेरे साथ लिखो सॉल्यूशन। तो आप अपने रजिस्टर को हॉरिजॉन्टल कर लेना क्योंकि वर्टिकली आपका आ नहीं पाएगा। तो हेडिंग डालते हैं पेटी कैश बुक। चलो तो एक सुंदर सुशील ढांचा बनाना है। सबसे पहले एक कॉलम आएगा, इस कॉलम का नाम होता है रिसिप्ट्स। उसके बाद दूसरा कॉलम डेट, उसके बाद अगला कॉलम पर्टिकुलर्स, उसके बाद टोटल पेमेंट्स, उसके बाद एक दो तीन, मतलब लगभग 6 कॉलम बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ओ माय गॉड सर, ये क्या बनवा रहे हो आप? तो यही तो इसकी खूबसूरती है। तो इतने सारे कॉलम बनते हैं, इसे बोलते हैं पेटी कैश बुक, और वो भी एनालिटिकल वाली, वो चलो अभी बाद में समझाऊंगा। तो आप ये बना लो जो मैंने बनाया ढांचा।
चलो, तो इसमें शुरू में आपको चार कॉलम बना लेने हैं हेडिंग के साथ, रिसिप्ट, डेट, पर्टिकुलर और टोटल पेमेंट। आगे कॉलम पे हेडिंग नहीं डालते कभी भी स्टार्टिंग में, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन पता लगता है। अब आपको कैसे लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले डेट लिखनी है। आप बताओ क्या डेट है, जब ये हफ्ता शुरू हो रहा है क्या डेट है? 7 सितंबर है ना, बैलेंस इन हैंड लिखा है। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आप डेट लिखो 7 सितंबर, और पर्टिकुलर में क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी, हाँ है ना, क्योंकि ये आपका बैलेंस दे रखा है। अब इसको कहाँ लिखना है आपको, पेमेंट में या रिसिप्ट में? रिसिप्ट में, क्योंकि ये पैसे तो अभी आपके हाथ में हैं, है ना, तो इसको रिसिप्ट में लिखना है। कितने रुपए दे रखा है? 1349। तो इसको लिखना है रिसिप्ट में। अब उसके नीचे लिखा है रिसीव्ड कैश रीइंबर्समेंट टू मेक अप द इंटरेस्ट। अब बड़े कैशियर से कितने रुपए मिले हमें, अब हम छोटे कैशियर बन जाते हैं तो हमें बड़े कैशियर से कितने रुपए मिले? 3659, 7 तारीख को। तो इसको कैसे लिखते हैं, पहले डेट लिखो 7 तारीख, और पर्टिकुलर में लिखते हैं टू कैश अकाउंट। तो कहाँ लिखोगे, रिसिप्ट में या पेमेंट में? रिसिप्ट में, क्योंकि आपको मिले कितने रुपए मिले? 3651। तो क्लियर होगी कहानी। तो अब आप देखो रिसिप्ट साइड में, मतलब छोटे कैशर के पास टोटल कितने रुपए हो गए? 5000 हो गए ना। अब इसके बाद सारी की सारी क्या होंगी, पेमेंट्स होंगी। अब छोटा कैशर पेमेंट्स करेगा, तो अब आप पढ़ो क्या क्या पेमेंट्स करी उसने। सबसे पहले लिखा है पोस्टेज, कितने रुपए? 123। तो 7 तारीख को पोस्टेज हुई, तो कैसे लिखेंगे इसको, डेट लिखो 7 सितंबर, और पर्टिकुलर में बाय पोस्टेज, क्योंकि ये आप क्रेडिट साइड लिखते हो ना। वैसे अगर लॉजिकली सोचो, पेमेंट करी आपने तो इसको आप कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड लिखते हो कैश बुक में, तो इसीलिए पर्टिकुलर लिखना है आपको बाय पोस्टेज अकाउंट। कितने रुपए की करी? 123। अब जो भी हम पेमेंट करते हैं, जैसे हमने पोस्टेज की पेमेंट करी है ना, तो हम एक अलग कॉलम जो बनाते हैं उस कॉलम का नाम ले देते हैं पोस्टेज। तो आप इस कॉलम का नाम दे दीजिए पोस्टेज। तो जो कॉलम बाजू में खाली था, अब उस खाली कॉलम की हेडिंग पर नाम आ गया पोस्टेज, और पोस्टेज के आगे या मतलब पोस्टेज के नीचे आपको लिखना है 123। समझ गए? तो आपने जो कॉलम खाली छोड़ रखे थे उसमें पहले कॉलम की हेडिंग मिल गई पोस्टेज, और उस पोस्टेज के नीचे लिखना है 123। अब इसी तरह अगला खर्चा पढ़ो, अगली पेमेंट हमने क्या करी है पोस्टेज के बाद, स्टेशनरी 321 रुपये, 7 तारीख को। तो हम लिखेंगे डेट 7 सितंबर, पर्टिकुलर क्या लिखेंगे? बाय स्टेशनरी अकाउंट 321। तो हमें एक और पेमेंट पता चली स्टेशनरी की, तो अगले कॉलम में जो खाली छूटा हुआ है उसकी हेडिंग बन जाएगी स्टेशनरी, और उसके कॉलम के नीचे हम लिख देंगे 321। ठीक है? तो समझ आया पहले यहाँ तक सब बच्चों को? ओके, अब बस आगे पढ़ते रहो और खेल करते रहो। 8 तारीख को ट्रेवलिंग, इसको खाली ट्रेवलिंग बोल देते हैं, तो ट्रेवलिंग कितना है? 126। तो लिखो 8 तारीख को 8 सितंबर बाय ट्रेवलिंग 126। तो बताओ तीसरे कॉलम का नाम क्या पड़ गया? ट्रेवलिंग 126। उसके बाद जी और क्या करा आपने, मिसलिनियस एक्सपेंस 11 रुपये, तो पर्टिकुलर लिखो बाय मिसलिनियस एक्सपेंस 11 रुपये। तो अगली हेडिंग का क्या नाम पड़ गया? मिसलिनियस या मिसलिनियस एक्सपेंस 11 रुपये। उसके बाद जी 8 तारीख को एंटरटेनमेंट 72 रुपये,
तो क्या नाम पड़ गया? बाय एंटरटेनमेंट, 8 सितंबर। 72 रुपए, और हेडिंग का क्या नाम पड़ गया? एंटरटेनमेंट, 72 रुपए। फिर उसके बाद जी अगला खर्चा 9 सितंबर को रिपेयर्स 1567। तो 9 सितंबर को पर्टिकुलर बताओ, बाय रिपेयर्स अकाउंट कितने रुपए? 1256। तो अगले कॉलम का क्या नाम पड़ गया? 1567। क्या कह रहे हो तुम? 1567। तो बताओ अगले कॉलम का क्या नाम पड़ गया? रिपेयर्स। तो रिपेयर में लिख लो 1567। तो बोलो बच्चों जी, यहां तक बिल्कुल ओके समझ आ रहा है? उसके बाद अगली पेमेंट क्या करी कैशियर ने, छोटे कैशियर ने, 10 सितंबर को पोस्टेज 174। तो 10 सितंबर बाय पोस्टेज 174। अब पोस्टेज का बताओ, कॉलम बना हुआ है पहले से? बना हुआ है, तो अब आप उसी के नीचे लिख दोगे 174। उसके बाद जी अगला, 10 सितंबर को ट्रेवलिंग 673। तो 10 सितंबर बाय ट्रेवलिंग 673। ट्रेवलिंग का बना हुआ है तो ट्रेवलिंग के नीचे लिख लो 673। उसके बाद जी 12 सितंबर मिसलिनियस एक्सपेंस 201 रुपए। तो 12 सितंबर बाय मिसलिनियस एक्सपेंस 201 रुपए। मिसलिनियस एक्सपेंस का बना हुआ है तो उसके नीचे लिख लो 201 रुपए। उसके बाद जी पोस्टेज 483। तो 12 सितंबर बाय पोस्टेज 483। पोस्टेज बना हुआ है? बना हुआ है, तो 483। उसके बाद रिपेयर्स 30 रुपए 12 सितंबर, तो बाय रिपेयर्स कहाँ है? 30 लास्ट वाला, ओके 30 रुपए। तो अब बताओ बच्चों, पहले इतने में किसी को कोई परेशानी समस्या? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? चलो अब दो तीन लाइन जो छूट रही हैं उनको थोड़ा लंबा कर देता हूँ मैं। तो पहले आप जो टोटल पेमेंट्स हैं उन्हें जोड़कर बताइए कि टोटल पेमेंट्स कितनी हो गई। ये जो काले रंग से लिख रखी है ना हमने टोटल पेमेंट्स, 123, 321, ये टोटल पेमेंट्स कितनी है? 3781। तो आप टोटल इधर पेमेंट वैसे लिख लो 3781, है ना, ये लाइन लगा के। अब इन छोटे छोटे कॉलमों का भी टोटल बताओ, इन छोटे छोटे कॉलमों का टोटल बताओ। तो स्टेशनरी का मैं बता रहा हूँ 321 है। उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंस का मैं बता रहा हूँ 212 है। उसके बाद एंटरटेनमेंट का मैं बता रहा हूँ 72 है। उसके बाद लास्ट वाले का 1597 है। फर्स्ट वाले का आप बताओ 780, और थर्ड वाले का भी आप बताओ 799। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने टोटल कर लिया। उसके बाद अब आप
रिसिप्ट्स का टोटल बताओ कितना है, रिसिप्ट्स कॉलम का है ना, जो पहला कॉलम था ये रिसिप्ट वाला, उसका टोटल कितना है 5000। तो इसको डबल अंडरलाइन के साथ लिखो 5000। और क्योंकि ये टोटल बड़ा है तो पेमेंट्स के टोटल में भी लिखो 5000। तो अब ये बताओ कि क्या बचेगा बाय बैलेंस सीडी, बताओ क्या बचेगा, 1219 बैलेंस बचेगा। तो भाई सब बच्चे सहमत हैं इसमें, ये बैलेंस बच रहा है 1219। तो बोलो बच्चों बोलो, सब बच्चे इससे एग्री, 1219। ठीक है, तो अब ये बताओ जब अगले हफ्ते की शुरुआत होगी 13 सितंबर को, तो छोटा कैशियर क्या लिखेगा, टू बैलेंस बीडी। तो वो पुराने बचे हुए 1219 को अगले हफ्ते का क्या बना लेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी। यानी कि अब नया हफ्ता जब शुरू हुआ अगला हफ्ता, तो छोटे कैशर के पास कितने रुपए हैं हाथों में, 1219, और बाकी अपनी ऐसी बस मन कर रहा है आपसे पूछने के लिए तो पूछ रहा हूं। तो बताओ अगले हफ्ते की पहली मतलब 13 तारीख को बड़ा कैशियर छोटे कैशियर को कितने रुपए देगा, 3781, ताकि उसके पास दोबारा से अब कितने हो जाएं, 5000। तो अगला हफ्ता फिर 5000 रुपए से शुरू हो जाता है। तो इस 5000 रुपए को बोलते हैं इंप्रेस्ड मनी। ठीक है, तो ये इस तरह से कैश बुक बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो इस कैश बुक को बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ठीक है, अच्छा अब आपको बताया था ना दो तरह की कैश बुक बनती है, तो इस वाली कैश बुक को क्या बोलते हैं हम, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब अगर मान लो किसी को सिंपल पेटी कैश बुक बनानी हो, तो वो कैसे बनाएगा सिंपल पेटी कैश बुक, बस पहले के 4 कॉलम्स। बिल्कुल सही, तो सिंपल पेटी कैश बुक में पेमेंट का सिर्फ 1 कॉलम होता है। तो यानी अगर आप काले रंग तक आके रुक जाओगे तो बस आपकी सिंपल पेटी कैश बुक बन जाएगी, और जब आप वो लाल रंग वाले कॉलम जोड़ देते हो तो वो कौन सी बनती है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, है ना। तो ये बात दिखा देता हूँ, तो दो तरह की पेटी कैश बुक होती है बच्चों, ये देखो पढ़ लो। सिंपल पेटी कैश बुक में लिखा है ओनली 1 कॉलम फॉर ऑल द पेमेंट्स, और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में लिखा है सेपरेट कॉलम्स फॉर ईच पेमेंट। तो हमने जो पेटी कैश बुक बनाई है वो कौन सी वाली बनाई है, एनालिटिकल वाली। तो अगर हम ये लाल रंग वाले सारे छोड़ देंगे तो कौन सी बचेगी, सिंपल पेटी कैश बुक बचेगी। ठीक है, चलो तो इसके नीचे बस मैं जर्नल एंट्री लिखवा रहा हूँ फॉर रेफरेंस पर्पस, क्वेश्चन ने मांगा नहीं है लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए, तो आप लिख लो कि कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए। जर्नल एंट्रीज तो 5 सितंबर, तो जब बड़े कैशियर से छोटे कैशियर को पैसे मिलते हैं, मारो तुक्का, तो बड़ा कैशियर छोटे कैशियर को कितने रुपए दिए थे हमारे सवाल में, एक बार बताना, 3651। तो बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या करेगा, नहीं। अब लॉजिकली सोचो, बड़ा कैशियर कौन सा खाता मेंटेन करता है, कैश, और छोटा कैशियर कौन सा खाता मेंटेन करता है, पेटी कैश। तो अगर पैसा बड़े से छोटे की तरफ गया तो किसका पैसा बढ़ रहा है, पेटी कैश का, कैश का बढ़ रहा है, और किसका घट रहा है, कैश का घट रहा है। तो इसको जर्नल एंट्री में खुद से कन्वर्ट करने की कोशिश करें, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये इस बात का सबूत है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है।
पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने एंट्री बोली नहीं, सिर्फ समझाया इफेक्ट, एंट्री आपने बोली तो इसकी एंट्री यही होती है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाकी नरेशन लिख लो ताकि अगर एग्जाम में पूछे तो हम लिख सकें, अमाउंट गिवन टू पेटी कैशियर, तो पेटी कैशियर को पैसे दिए। और उसके बाद सेकेंड एंट्री, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वे में पूछ रहा हूँ लिखने के लिए। अब ये बताओ कि छोटे कैशियर ने खूब सारी पेमेंट्स करी, खूब सारी पेमेंट्स करी छोटे कैशियर ने, तो उन पेमेंट्स की क्या एंट्री होगी? सोचो, पेमेंट करने से पेटी कैश बढ़ेगा कि पेटी कैश कम होगा? कम होगा, तो पेटी कैश तो कम हो रहा है, और जो एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे, यानी कि वो नुकसान है, वो हमारे लॉस हो रहे हैं, पेमेंट्स हो रहे हैं, तो जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं आप उनकी एक एक यूनिवर्सल सी एंट्री लिख लो। हाँ बिल्कुल सही, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, अलग अलग लिखने हैं, मतलब हर एक्सपेंस का अलग नाम लिखना है वैसे एग्जाम में तो, यानी कि सेपरेट अकाउंट्स टू पेटी कैश अकाउंट। तो जितने भी खर्चे होते हैं उनकी बेसिकली ये जर्नल एंट्री ये हो जाती है। तो ये हमने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वे के लिए लिखी, कभी कभी पूछ लेते हैं। और एक लास्ट स्टार पॉइंट, बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज, तो आपको तुक्का मारना है क्लियर के हिसाब से। पेटी कैश में जो पैसे बचे हैं छोटे कैशर के पास, जो 1200 रुपए बचे हैं छोटे कैशर के पास, वो क्लियर के हिसाब से क्या है बिजनेस के लिए? बताओ क्या है क्लियर के हिसाब से छोटे कैशर के पास जो पैसे बचे हैं? पहले मेरा क्वेश्चन समझ गया मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं छोटे कैशर के पास ये जो 1219 रुपए आपने लिखा ना बच गए बैलेंस, तो ये क्लियर के हिसाब से बिजनेस के लिए क्या है? ये प्रश्न है। एक्सपेंस क्यों मैडम? रेवेन्यू क्यों सर? हाँ वेरी गुड, तो ये वो नलायकी है जो आपको नहीं करनी है, ये कोई रेवेन्यू नहीं होता है। जो भी हमारे पास पैसे बचते हैं, बचे हुए पैसों को हम क्या कहते हैं, कैश इन हैंड को क्या कहते थे आप? एसेट कहते थे ना पहले, तो पेटी कैश भी तो कैश का ही एक रूप है, बस छोटे कैशर के पास बचा हुआ है, तो ये भी आपके लिए एसेट होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वो बातें थी जो मुझे करानी थी। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में, आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी, या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा, तो ठीक है बच्चों के कटने दो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।